हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ए, ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हमीद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है। यह बच्चों का खेल नहीं है, कोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं नहीं। अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? हा? वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं, नदी की पूजा करते हैं नदी में। कोई सबूत है? सबूत पुराणों में सबूत है। अरे ये हमीद पुराणों में कहाँ आ गया? हमीद नहीं, नदी, नदी का पुराणों में सबूत है। अरे इंक्वायरी किसकी चल रही है, हमीद की या नदी की? हमीद की। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस है? हमीद तांगा चलाता था, तांगा चलाने के लिए घोड़े की जरूरत होती है, लाइसेंस की नहीं। ये रेशन कार्ड है, इस पे नाम लिखा है। किसका? घोड़े का? हमीद का। अरे 20-25 रुपए में बनता है, कार्ड डुप्लीकेट है। साहब हमीद हर जुम्मा मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए। ये सरासर झूठ है, किशन गणेश जी का भक्त था, हर मंगलवार गणेश जी के दर्शन करने वो मंदिर जाता था, गणपति में सबसे आगे नाचता था। गणपति में नहीं, मुहर्रम में मातम मनाता था वो। साहब किशन गरीब था, बेकार था, मुसलमानों ने उसे शराब पिलाकर भटकाने की कोशिश की, शादी के सपने दिखाए, जन्नत दिखाया, पैसों का लालच दिखाया। आज इनको किशन की याद आई है, वो गरीब था, बेकार था, भूखा रास्ते पर भटक रहा था, तब आपने आपके हिंदू दोस्त की मदद नहीं की, आपने उसके ऊपर सिर्फ जुल्म किए हैं, आपके जुल्मों से तंग आकर ही वो मुसलमान बना था। वो कभी भी मुसलमान नहीं बना था, वो सच्चा हिंदू था। वो मुसलमान बना इसका कोई सबूत है? उसको जुमा मस्जिद में मैंने ही कलमा पढ़ाया था, उसके बाद वो मुसलमान बना और फिर फातिमा से उसका निकाह हुआ, निकाह भी मैंने ही पढ़ाया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ सर्कमसीशन, तुम लोग को सर्कमसीशन उसको क्या बोलते हैं? खतना। हाँ खतना, खतना उसका मेंशन नहीं है। ये बात सही है कि उम्र की वजह से उसकी खतना नहीं हुई थी। अरे खतना नहीं हुई तो मुसलमान कैसे बना? हमीद की सचमुच खतना नहीं हुई थी, लेकिन इस मामले में सुपारी काट कर खतना की रस्म पूरी की गई। सुपारी कहाँ है? साहब उसको सुपारी खाने की आदत थी। हमीद पैदा हुआ कि नहीं इसका सबूत नहीं, वो मुसलमान बना उसका सबूत नहीं, उसकी शादी हुई उसका सबूत नहीं, नदी में पानी नहीं, खतना नहीं, सुपारी नहीं। मैं कैसे निर्णय दूं? बोलो बोलो ना।